हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू माय नेम इज़ अभय टुडे टॉपिक इज स्केप फोल्डिंग ट्रेनिंग स्केप फोल्डिंग आप जानते ही हो जैसे ही ऊंचाई पे काम करना हो तो एक हमें प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है और उसी प्लेटफॉर्म को उसी टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म को हम लोग स्केप फोल्डिंग बोलते हैं आज के समय कंस्ट्रक्शन के कामों में स्केप फोल्डिंग का यूज़ बहुत ही अच्छे से हो रहा है और कई स्केप फोल्डिंग क्लैप्स भी होते हैं जिससे कई लोगों की जान भी जाती है तो अगर हम इसके फोल्डिंग को अच्छे से समझें तो इसके फोल्डिंग संबंधित एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा इसके फोल्डिंग में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं एस एन जे एस वन फाइव सेवन सिक्स ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड्स है पार्ट टू कपलर एंड एसोसरीज़ के लिए बी एस एन स्टैंडर्ड है ब्रिटिश सेफ्टी यूरोपियन नॉम ये स्टैंडर्ड है और आप देखेंगे यहाँ पे बी एस ई एन वन टू एट वन वन टेम्प्रोरी वर्क इक्ुपमेंट के लिए है टेम्प्रोरी वर्क इक्विपमेंट ऑपरेशनल गाइडेंस फॉर द कम्प्रीहसिव गाइड टू गुड प्रैक्टिस फॉर ट्यूब एंड फिटिंग स्कै होल्डिंग डिज़ाइन एंड गाइड परचेजिंग गाइड है और इस तरह से आप देखेंगे पी जी थ्री पी जी वन पी जी टू पी जी सिक्स है ना और टेक्निकल गाइड है ये परचेजिंग गाइड है और ये क्या है टेक्निकल गाइड है तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं आप चाहें तो और भी ज़्यादा डिटेल्स नॉलेज के लिए आप जो है इसे भी पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस ट्रेनिंग इसका एम यही है कि ताकि मिनिमम टेक्निकल और सेफ्टी रिलेटेड रिक्वायरमेंट फॉर द टेम्प्रोरी एलिवेटेड वर्क एरिया और लेडर एंड स्कैल्ड के लिए इस्टेब्लिश किया जा सके लोग जानकारी हो जिससे कि टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट हो पाए साइट पर साथ साथ पे। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इसको एबल हो इरेक्ट करने के लिए डिसमेंटल करने के लिए अल्टरेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केप होल्ड तो हम लोग इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं और इसके स्टैंडर्ड डिफरेंस जो है बी है ब्रिटिश सेफ्टी यूरोपियन नॉम जो है वन टू एट वन वन आई कोड जो है इंडियन स्टैंडर्ड थ्री सिक्स नाइन सिक्स और टेक्निकल गाइड ट्वेंटी थर्टीन तो व्हाट इज स्केप होल्ड स्केप एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है दैट सपोर्ट एंड एसेस और वर्किंग प्लेटफॉर्म इज रिक्वायर्ड वेन वर्किंग एट हाइट इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट पर्सन वर्किंग एट हाइट फ्रॉम फॉलिंग और फॉलिंग फ्रॉम हाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट डेथ एंड सीरियस इंजरी इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो ये क्या है टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है जो कि एक प्लेटफॉर्म के तरह काम करता है स्केप होल्डिंग दैट इज एडिकुएटली इरेक्टेड एंड मैंटेन्ड कैन प्रिवेंट मैनी सच एक्सीडेंट रेफरेंस ये है बी एस ई एन वन टू एट वन वन वट इज द हिस्ट्री ऑफ स्केप होल्ड तो आप जानते हैं ट्रेडिशनल स्केप होल्ड इन द यू के सबसे पहले बना था वी आर इरेक्टेड टू दिस स्टैंडर्ड बी एस फाइव नाइन सेवन थ्री टिल टू थाउजेंड फोर इसके फोल्डिंग तो बहुत पहले से ही बनते आ रहा है लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड्स वगैरह जो बने वो सबसे पहले ये था ब्रिटिश स्टैंडर्ड और आफ्टर 2004 जो है बी एस फाइव नाइन सेवन को विड्रोन कर लिया गया और रिप्लेस बाय द यूरोपियन स्टैंडर्ड यू जानते हैं यूके भी जो है यूरोप में आता है तो यूरोप एक कॉन्टीनेंट है एक महादेश है और यू जो है उसका एक छोटा देश है तो पूरे यूरोप में जो चलता है उसको यूरोपियन स्टैंडर्ड हम बोलते हैं तो एस्केप फोल्ड इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए टेक्निकल गाइडेंस बुक कॉल्ड द गुड प्रैक्टिस फॉर ट्यूब एंड फिटिंग तो ये इस तरह से देख रहे कि आप चेंजेज आने लगा और उसके बाद जो है गुड प्रैक्टिस गाइड री स्टार्ट मच ऑफ़ द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम विद ड्रॉन बी एस फाइव नाइन सेवन थ्री डॉक्यूमेंट तो समझते हैं सिस्टम्स ऑफ एस्केप फोल्ड क्या क्या इसमें लगते हैं इसके तंत्र कैसे हैं सिस्टम्स क्या है तो ये सब जितने जो पार्ट देख रहे हैं ये अब सिस्टम है स्केप फोल्ड हैं ट्यूब एंड फिटिंग है परसटाइल स्किल्ड मैन पावर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है अगर ट्यूब फिटिंग करना हो और एक होता है कॉम्प्लिकेटेड शेप कैन बी कंस्ट्रक्टेड इससे ट्यूब एंड फिटिंग से हम कर सकते हैं जैसे हैंगिंग स्केप फोल्ड हो गया प्रोसेस प्लांट एंड रिफाइनरीज ऑफ शोर प्लेटफॉर्म एंड इंस्टॉलेसन जो है ये ट्यूब एंड फिटिंग से बनता है ये आप देख रहे हैं इसको हम सिस्टम स्के फोल्ड का ये आप देख रहे हैं ये रेडीमेड स्केप है जो कि ट्यूबलर एंड सिस्टम स्केप है और ये बहुत ही इजी टू इरेक्ट होता है डिसमेंटल लेस टाइम रिक्वायर्ड इसमें कॉम्पिटेंट वर्कर नहीं भी रहेंगे तो उसको बना लेंगे गुड फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क होता है और हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स नॉट रिक्वायर्ड इसके लिए होता है और स्ट्रिक्ट टू स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द कम्पोनेंट इसके सारे कम्पोनेंट स्टैंडर्ड होते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें फ्लेक्सीबिलिटी नहीं रहती है अब है कैटगरीज ऑफ़ स्केप फोल्डिंग देर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ स्केप फोल्डिंग सपोर्टेड स्केप फोल्ड और सस्पेंडेड स्केप फोल्ड अब देखेंगे ना उसके डिजाइन के अनुसार ना उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट लगते हैं न उसके अनुसार भी मैं देखा हूँ उसको डिवाइड करते हैं उसके जो अरेंजमेंट हैं मतलब अगर सिंगल पोल का बनेगा तो पुटलोग स्केप फोल्ड ऐसे डबल का बनेगा तो टावर स्केप फोल्ड ऐसे कर करके जो है ना फोर पोल का बनेगा टावर स्केप होल्ड ऐसे करके कई बेसिस पे डिवाइड किया जाता है लेकिन आप ऐसे भी याद रख सकते हैं देर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ स्केप फोल्ड सपोर्टेड स्केप फोल्ड एंड सस्पेंडेड स्केप फोल्ड इसके अलावा भी देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केप फोल्ड द मेन फ्यू आर एक तो इंडिपेंडेंट स्केप फोल्ड जो बिना किसी सपोर्ट के खड़ा करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि ये कम से कम दो स्टैंडर्ड पे चलेगा सिंगल पे नहीं चलेगा तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा टावर स्केप फोल्ड जिसके चार पोल हो है ना मोबाइल स्केप फोल्ड जिसमें व्हील लगे हों बल्टेज स्केप होल्ड मतलब मल्टीपल पोस्ट हो उसमें मल्टीपल स्टैंडर्ड से बना हो तो बर्ड बल्टकेज हो जाता है पुटलॉग स्केप होल्ड जैसे आप घर में देखते हैं ना एक सिंगल जो है हम लोग पाइप लगा के और घरों की जो है प्लास्टर करते हैं तो क्या है सिंगल स्टैंडर्ड रहता है और एक जो पाइप है वो हम दीवार में घुसा देते हैं तो दैट इज कॉल्ड पुटलोग स्केफ फैब्रिकेटेड फ्रेम स्केप होता है जो कि सब कुछ फैब्रिकेट किया हुआ रहता है आपके बल उसको यूज़ करना है मतलब उसका फिक्स है सब कुछ डिज़ाइन जैसे मैंने आपको दिखाया इसके पहले अंडर हैंग स्केफ फोल्ड स्प्ले स्केफ फोल्ड ब्रैकेट स्कैपोल्ड लोडिंग बे कंटिलीवर स्केफोल्ड मतलब ज़्यादा हम बढ़ा देते हैं पोर्शन स्पेशल स्केफोल्ड तो तो दीज आर दनी डिफरेंट टाइप्स स्केफोल्ड बट दीज आर द फ्यू ऑफ देम अब हम जानते हैं मटेरियल फेमलराइजेशन कि इसमें क्या क्या लगते हैं तो देखिए जो भी कुछ लगेगा तो उसका एक स्टैंडर्ड के अनुसार ना उसका एक डायमेंशन होगा उसकी एक लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी है ना तो आइए देखते हैं बी एस वन वन थ्री नाइन बी एस ई एन थर्टी नाइन टू थाउजेंड वन दोनों इसके द्वारा कहता है कि आउटसाइड डायमीटर फोर्टी एट पॉइंट mm थ्री एम एम होना चाहिए किसका तो ट्यूब्स का जो भी स्कैफोल्ड में ट्यूब यूज़ होंगे और उस स्टैंडर्ड पर अगर बनते हैं तो और नॉमिनल वाल थिकनेस जो पाइप की जो थिकनेस होगी वो कम से कम फोर एम एम का होगा और वेट जो है उसका फोर पॉइंट थ्री सेवन के जी पर मीटर होगा अगर पाउंड में बोले तो 2.9 पाउंड, पाउंड पर फीट तो ये इसका स्टैंडर्ड है ट्यूब इसी के अनुसार होना चाहिए ज़्यादा मोटा भी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा उसका डेड वेट आ जाएगा और अगर हम पतला यूज़ करें तो उसकी स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम हो सकता है और अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करें तो कपलर उसमें लगेगा भी नहीं क्योंकि सब कुछ कपलर भी जो बनता है वो ट्यूब के अनुसार ही बनता है तो सारे चीज़ें स्टैंडर्ड हैं तो उसको यूज़ करने में आसानी होगी तो स्केप फोल्डिंग ट्यूब जो है ट्यूब शुड बी मैनुफैक्चर एंड टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द बी एस वन वन थ्री नाइन और बी एस ई एन थ्री नाइन टू जीरो वन टू थाउजेंड वन स्पेसिफिकेशन फॉर द ट्यूब फॉर यूजिंग इन द स्के बेस्ट प्रैक्टिस ओनली परमिट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्यूब टू बी यूज क्या है द बी एस ई एन थर्टी नाइन टाइप फोर विद द डायमीटर ऑफ फोर्टी एट पॉइंट थ्री एम एम और थिकनेस जो है फोर एम एम गेलोनाइज स्टील ट्यूब और इक्वेलेंट गेलोनाइज क्यों हो जाता है ताकि उसमें जंग न लगे रस्ट ना लगे तो ये अच्छा रहेगा हाई टेंसाइल गेलोनाइज स्टील ट्यूब विद डायमीटर फोटी एट पॉइंट थ्री एम एम एंड थिकनेस ऑफ थ्री पॉइंट टू एम एम इन एकॉर्डिंग टू बी एस ई एन वन जीरो टू वन जीरो वन तो अगर हाई टेंसाइल हो तो इसकी थिकनेस हम थ्री पॉइंट टू कर सकते हैं तो ये मटेरियल की स्ट्रेंथ के अनुसार हो गया तो जब भी परचेजिंग करना है तो जो परचेजिंग गाइड है उसको एक बार जरूर देखना है तो स्के फोल्डिंग जो स्के फोल्ड ट्यूब होता है द फलोइंग ट्यूब टाइप में नॉट बी यूज विदाउट डिज़ाइन बी एस ई एन थर्टी नाइन टाइप थ्री स्टील ट्यूब एल्यूमिनियम ट्यूब अदर डायमेंसन मटेरियल और ग्रेड ब्लैक ट्यूब अब स्केप फोल्डिंग ट्यूब इंस्पेक्शन अगर हम बिना इंस्पेक्शन के अगर ट्यूब को यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम होगा तो द एबिलिटी ऑफ ए स्केप होल्ड टू कैरी आउट इट्स लोड इज लार्जली डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ एंड कंडीशन ऑफ द ट्यूब यूज इन द कंस्ट्रक्शन पूरा लोड ट्यूब के ही ऊपर होता है तो इसका लोड कैपेसिटी होनी चाहिए और कंसिक्वेंटली ट्यूब मस्ट बी इंस्पेक्टेड टू तो इंश्योर इंस्पेक्टे तो दे आर स्ट्रेट फ्री फ्रॉम क्रैक स्प्लिट्स बैड डेंड एक्सेसिव क्रोजन ये सब नहीं होना चाहिए कट स्क्वायर क्लीन टू इच इंड तो आप देख रहे हैं ये जो ट्यूब है यहाँ पे क्या क्या इशू है तो ऐसा इशू नहीं होना चाहिए ये फ्लेम कट ट्यूब कभी भी ट्यूब को फ्लेम कट कर नहीं करना चाहिए फ्लेम कट बोलने का मतलब जैसे गैस से हम लोग काटते हैं तो उसके जो कॉर्नर है ना बहुत ही नुकीले हो जाएंगे और अच्छे से नहीं कटेगा तो कभी भी उसको आ, ग्राइंडिंग जो कटिंग व्हील है उससे काटें कोल्ड कट करें जिससे एकदम शार्प अच्छे से जैसे पाइप नया आता है ना वैसा हो तो इस तरह का बैंड स्प्लीट इंड जिस फट गया यहाँ से मशरूम हेड हो गया है क्रॉस कट हो गया ये सब नहीं होना है क्योंकि ये स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा जो बोर्ड लगता है मोस्ट कॉमन बोर्ड स्पेसिफिकेशन बी एस टू फोर एट ज़ीरो विथ इसका होता है दो सौ पच्चीस एम एम या नौ इंच थिकनेस थर्टी एट एम एम या वन एंड हाफ इंच और टिम्बर बोर्ड आर सप्लाइड इन थ्री थिकनेस 38, 50 एंड 63 थ्री एम एम मोस्टली थर्टी एट एम थिकनेस वाला यूज़ होता है और लेंथ 39 मीटर मैक्सिमम स्केफोल्ड बोर्ड जो है अदर बोर्ड अवेलेबल ओसा स्टैंडर्ड बोर्ड 225 ट्वेंटी mm फाइव और 38 एट mm एम थिकनेस वाला 9 इंच इसी को इंच में बोले तो इतना कम्प्रेस लेमिनेटेड गुड क्वालिटी फैब्रिकेटेड एलुमोनियम स्टील बोर्ड ज़्यादा यूज़ हो रहा है साइड के ऊपर अभी पहले बोर्ड यूज होता था तो इसका भी प्रॉब्लम यह है कि इस तरह का सिचुएशन उसमें नहीं होना चाहिए नहीं तो बोर्ड ख़राब है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ हैं ये आप देख रहे हैं ऐसे बोर्ड होगा तो क्या आप उसके ऊपर जब लोड आएगा तो टूट जाएगा तो ये हमें ध्यान देना है स्केप फोल्डिंग में लगता है बेस प्लेट बेस प्लेट जो है एक बेस प्लेट विद द स्पाइगोट फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड फ्रॉम द स्टैंडर्ड रैकर और अदर लोड बियरिंग ट्यूब मिनिमम डायमेंशन इसका 150 फिफ्टी बाई वन होना चाहिए और ये लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं और इसका मेजरमेंट ये है ये कम से कम एटलीस्ट 6 सिक्स एम एम थिकनेस का होना चाहिए और द सैंक मस्ट बी एटलीस्ट 50 फिफ्टी एम एम हाई ये जो है सैंक ये फिफ्टी एम एम हाई होनी चाहिए अब ये गिन है और गिन का यूज़ क्यों करते हैं ताकि हम लोग मटेरियल्स को उठा पाए स्केप फोल्डिंग प्लेटफॉर्म पर तो ये एक सस्पेंशन पॉइंट ऑफ द गिन व्हील ऑन द सपोर्टिंग ट्यूब शुड नॉट बी मोर देन 750 फिफ्टी एम एम बियड इट्स आउटर सपोर्ट पॉइंट ये ज़्यादा भी नहीं निकला होना चाहिए आप देख रहे हैं ये 750 से ज़्यादा नहीं होगा नहीं तो क्या होगा ज़्यादा उसके ऊपर लोड आएगा तो ये है गिन व्हील तो इसका सेफ़ वर्किंग लोड मार्क्ड ऑन द फ्रेम 250 फिफ्टी और मैक्सिमम 50 के जी रिकमेंडेड लोड इससे हम उठा सकते हैं इससे ज़्यादा हमें नहीं उठाना है और 18 एम mm एम डायमीटर मनीला या पोलिस्टर रोप का यूज़ इसमें होता है और ताकि कोई भी स्केब होल्डिंग फिटिंग्स को हम लोग ऊपर और नीचे होस्टिंग और लोअरिंग कर सकें और ई यूज़ इन द टॉल स्केप फोल्ड जहाँ पर ऊँचे ऊँचे हैं वहाँ पर पाइप कैसे ले जाएँ कोई मटेरियल या फिटिंग कैसे ले जाएंगे तो ये गिनविल का हम यूज़ करते हैं वहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं ये है कास्टर व्हील और कास्टर व्हील जो है फिटेड विद द ब्रेकिंग डिवाइस विच शुड ऑलवेज बी लॉक्ड अनलेस यू आर मूविंग द टावर ये मोबाइल टावर में यूज होता है और इसमें ब्रेक होना चाहिए ताकि जब भी हमें टावर को खड़ा करना हो तो हम इसको ब्रेक को अप्लाई कर दें और कास्टर कम्स इन वेरियस साइज एंड लोड कैपेबिलिटीज और टू इरेक्ट मोबाइल एस टू बी मेड ऑन हार्ड लेवल ग्राउंड पे ही यूज़ करना चाहिए जहाँ हार्ड है पे भी वगैरह है वहाँ पे यह है कपलर्स एंड फिटिंग्स देखते हैं तो कपलर्स और फिटिंग को बारे में समझते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ये कपलर है और ये भी कपलर है ये राइट एंगल कपलर है जो कि 90 डिग्री पे ही हम पाइप को जब जॉइन करना होता है तो यूज़ करते हैं और ए लोड बियरिंग फिटिंग फॉर द कनेक्टिंग टू ट्यूब्स एट द राइट एंगल राइट एंगल मतलब नाइन्टी डिग्री और यूज टू फिक्स स्टैंडर्ड एंड लेजर को फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है यूज़ टू फिक्स स्टैंडर्ड एंड ट्रांसम ऑन अनबोर्डेड लिफ्ट एंड यूज टू फिक्स ब्रेसिंग इफ गिवन ऑन लेजर इट इज़ रिकमेंडेड रेफर टू एज ए डबल कपलर इसको हम लोग डबल कपलर ही बोलते हैं आगे हम लोग देखेंगे सिंगल कपलर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आगे देखते हैं यह है सेफ वर्किंग लोड सेफ वर्किंग लोड तो मालूम होना चाहिए क्लास ए का 6.1 पॉइंट किलो न्यूटन का एस डब्ल्यू एल होता है और क्लास बी का 9.1 पॉइंट किलो न्यूटन का होता है ये कपलर एंड फिटिंग्स जो है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इसको बोलते हैं सीवेल कपलर ये चूंकि मूव होता है मतलब 90 डिग्री पे इसको हम घुमा सकते हैं सॉरी इसको किसी भी डिग्री में हम पाइप को ट्यूब को कपल कर सकते हैं तो इसीलिए इसको बोलते हैं सीवल सीवेल कपलर और आम भाषा में इसको चालू क्लाइम भी लोग बोलते हैं एक कपलर यूज फॉर कनेक्टिंग ट्यूब्स टुगेदर एट एनी एंगल यूज टू तो फिक्स ब्रेसिंग को यूज लगाने में करते हैं और लोड बियरिंग कपलर इसका सेफ वर्किंग लोड इन इंडिया होता है फाइन देखो कपलर भी आप देखेंगे ना ये सब लोड बियरिंग है और कुछ हो नॉन लोड बियरिंग उसको भी हम लोग जानेंगे आगे में तो सेफ़ वर्किंग लोड इन इंडिया इसका 5.3 किलो न्यूटन और सेफ वर्किंग लोड अदर जो है सिक्स पॉइंट वन किलो न्यूटन जैसे सिक्स पॉइंट वन किलो न्यूटन है ना तो आप इसको छः सौ के जी बोल सकते हैं क्योंकि किलो न्यूटन को जब आप के जी में कन्वर्ट करेंगे तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करने से आ जाता है तो इसका जो क्लास ए है वो सिक्स पॉइंट वन है क्लास बी नाइन पॉइंट वन जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कपलर है जिसका नाम है सिंगल पुटलो कपलर है ना सिंगल कपलर वो पहले वाले में कहता है डबल कपलर इस तरह का डबल था तो इसलिए डबल और ये सिंगल है तो सिंगल कपलर या इसको पुटलो कपलर ही बोलते हैं ये भी आ, टू ट्यूब्स को राइट एंगल में फिक्स करना हो जोड़ना हो तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं और ये जो है नॉन लोड बियरिंग कंपोनेंट है इट इज़ मेनली यूज फॉर फिक्सिंग ट्रांज़म टू लेज़र और इसको हम लोग सिंगल कपलर कहते हैं इसको हम लोग जनरली टो बोर्ड फिक्स करने के लिए भी यूज़ करते हैं और शुड नॉट बी यूज अप साइड डाउन अप साइड डाउन मतलब ये वाला हिस्सा हमेशा ऊपर रहेगा ये वाला हिस्सा हमेशा ऊपर रहेगा इसको हमेशा नीचे करके हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये आप देखेंगे अगर नीचे करेंगे तो निकल जाएगा इस इधर से तो हमेशा इसको इसका जो है अप साइड डाउन होना चाहिए सेफ़ वर्किंग लोड जो है इसका पॉइंट सिक्स थ्री किलोनी उठना आप देख लेना बहुत कम है जहाँ वो सिक्स था वहाँ पे ये पॉइंट सिक्स थ्री है यानी कि 60 के जी ये देख रहे हैं ये जो आ, कपलर है वो है स्लीव कपलर इसमें जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है ये एक्सटर्नल स्लीव विच क्लैम टू ट्यूब्स इन टू आउटसाइड जैसा आप देख रहे हैं दो ट्यूब को इन टू एंड जोड़ता है इसको हम लोग स्लीव कपलर बोलते हैं और सेफ वर्किंग लोड इसका जो है 3.6 पॉइंट किलो न्यूटन और क्लास बी का 5.5 पॉइंट किलो न्यूटन होता है ये भी एक तरह का ज्वाइंट पिन और स्पाइगोट है ये भी जो यूज होता है दो पाइप को कनेक्ट करने के लिए तो ए कपलर ऑल्सो यूज टू कनेक्ट टू ट्यूब्स टुगेदर इन टू इंड और कंसिस्ट ऑफ स्पाइगोट विच इज़ प्लेस इनसाइड द ट्यूब इन्स एंड एक्सपेंडेड टू फॉर्म ए जॉइंट जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हैज नो स्लीप रेजिस्टेंस ये है रिवेल पिन और इसका यूज़ कहाँ करते हैं ये विंडो वगैरह में जब टाई करना होता है तो इंसर्टेड इन टू द एंड ऑफ द ट्यूब एंड एडजस्ट टू सिक्योर स्केप फोल्डिंग इन ओपनिंग खासकर विंडो वगैरह में फोर टाइज ऑफ थ्री पॉइंट फाइव किलो न्यूटन मैक्सिमम पुल इस पर हम डाल सकते हैं मतलब अगर ये टाई अच्छे से कर दिया तो थ्री पॉइंट फाइव किलो न्यूटन का पुल ये सह सकता है तो ये लाइट ड्यूटी टाई है ये देख रहे हैं ये भी एक कपलर है गर्डर कपलर गर्डर वगैरह में यूज़ करते हैं और इसको बीम कपलर ही बोलते हैं बी जैसे बीम में जैसे देख रहे हैं आप इसको लगाया गया है तो ये कपलर यूज फॉर कनेक्टिंग ट्यूब्स डायरेक्टली टू द फ्लेंजेज ऑफ स्टील बीम और ऑलवेज यूज़ इन पेयर ये हमेशा पेयर में मतलब अकेला यूज़ नहीं कर सकते हैं ये और ये दो एक साथ यूज़ करना है आप देख रहे हैं ना इस अपोजिट डायरेक्शन में इसका यूज़ किया गया अकेला होगा तो ये निकल जाएगा तो कभी भी ये डबल में ही यूज़ करना है और ऑलवेज यूज इन पेयर एंड सी मैनुफेक्चरर इंफॉर्मेशन फॉर द करेक्ट एंगल एंड लोडिंग टिपिकली एग्जाम्पल्स आर ग्रेव लॉक एंड हैवी ड्यूटी डेड हेड कपलर्स हैं ये आप देख रहे हैं टो बोर्ड जो क्लिप है ये आप जानते ही ये टो बोर्ड लगाते हैं ताकि कोई मटेरियल प्लेटफॉर्म से ऊपर से फाल ना हो पाए तो ये क्लिप यूज फॉर अटैचिंग टो बोर्ड और टू ट्यूब मोस्टली सिंगल कपलर इज़ यूज्ड जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे यह है प्लेटफॉर्म बोर्ड क्लिप ये बोर्ड को फिक्स करने के लिए वन बोर्ड क्लिप होल्ड टू बोर्ड जैसा कि आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं लेडर क्लैम और ये लेडर को पकड़ने के लिए अच्छे से ताकि लेडर स्लिप ना हो टॉपल ना हो उसके लिए यूज करते हैं टू फिक्स लेडर टू स्कैप ट्यूब और रोप ऑल्सो कैन बी यूज इफ इट इज़ कोल्ड वर्क कई जगह पर रस्सी का ही प्रयोग करते हैं जहाँ पे कोल्ड वर्क हो रहा है जहाँ हॉट वर्क हो तो वहाँ तो यही यूज़ करना चाहिए नहीं तो कहीं भी रस्सी कट जाएगा अब एक क्वेश्चन ये भी है कि जो स्केप होल्डर हैं या जब स्केप होल्डिंग को इरेक्ट करते हैं तो कौन कौन से टूल की आवश्यकता होती है तो स्पेनर लगता है और टूल बेल्ट ऐसा लगता है जिसमें सारे टूल्स को अटैच करें मेजरिंग टेप है स्प्रिट लेवल है ताकि हम लोग ट्यूब के लेवल चेक कर पाएँ वर्टिकल है कि नहीं वो औरजेंटल है कि नहीं हैमर का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो कपलक वगैरह है उसको टाइट कर पाएँ ये स्पेनर है जिसमें टॉर्क वगैरह हम चेक कर पाते हैं और ये भी एडजस्टेबल स्पैनर है इसका भी यूज़ होता है ताकि तो ये सब कुछ टूल हैं जो कि एक स्केप फोल्डर को अपने पास रखना चाहिए और मेजरिंग टेप है ताकि हम उसका लेंथ पता कर पाएँ ट्यूब वगैरह का स्केप फोल्डिंग टर्मोलॉजी देख लेते हैं आप देख रहे हैं स्केप फोल्डिंग जो स्केप uh, फोल्डिंग है वो कई तरह के फिटिंग से बना हुआ है इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं तो किसका क्या नाम है थोड़ा हम लोग एक बार देखते हैं जो सबसे नीचे है उसको बोलते हैं सील या सोल बोर्ड सोल बोर्ड आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारा जूता होता है उसके सबसे नीचे का जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं सोल बोलते हैं तो ये स्केप फोल्डिंग का सोल है है ना सबसे नीचे का हिस्सा सोल बोलते हैं तो ये बोर्ड हो गया उसके जो जस्ट ऊपर होगा उसको बेस प्लेट बोलते हैं और उसका डायमेंसन मैंने बताया और सबसे पहला जो आप देखेंगे जो लिफ्ट है उसको हम लोग बेस लिफ्ट बोलते हैं या कीकर लिफ्ट बोलते हैं तो सबसे पहले को कीकर लिफ्ट बोलते हैं जो कि मिनिमम सिक्स इंच ऊपर से स्टार्ट होता है और जो सबसे जो वर्टिकल पाइप है जो सीधा सीधा खड़ा है नाइन्टी डिग्री पे वो स्टैंडर्ड है या उसको अपराइट भी बोलते हैं और जो ये स्टैंडर्ड्स को जो लेंथ वाइज लगा हुआ है उसको हम लोग रनर या लेजर बोलते हैं और जो इसकी चौड़ाई ज़्यादा ना हो इसके लिए जो पाइप लगता है चौड़ाई की तरफ से उसको हम लोग बियर या ट्रांज़म बोलते हैं ये विड्थ को कंट्रोल करता है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि लेज़र और स्टैंडर्ड्स को जो जोड़ रहा है इसको हम लोग फिक्स कपलर बोलते हैं ये 90 डिग्री से ऐड है सिविल कपलर जो है जो ब्रेशिंग पाइप है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है ट्रांसवर्स ब्रेसिंग है आप देख रहे हैं कि एक फेस के साइड से ब्रेसिंग लगा हुआ है और एक इधर वर्थ के साइड से लगा है तो ये ट्रांसवर्स ब्रेसिंग है फेस ब्रेसिंग भी होता है जो फेस के चौड़े साइड की तरफ से लगता है लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग है है ना या उसी को फेस ब्रेसिंग भी बोलते हैं लेडर क्लैंप है, है यहाँ लेडर को अटैच करने के लिए स्केफोल्ड प्लैंक्स है या बोर्ड यहाँ पर लगता है जिससे एक प्लेटफॉर्म मिल पाए फॉल्स अपराइट है यहाँ पे देख रहे हैं फॉल्स अपराइट नीचे से नहीं आया है ये यह यहीं से उठा लिए है इसका मेन मकसद यही है ताकि लेडर से हम जब अंदर जाएँ तो हमें एक स्पेस दे पाए जाने के लिए और ये हेल्प करता है यहाँ पर इसको बंद करने के लिए ताकि कोई आदमी अंदर न जाए और ये मिड रेल लगा हुआ है और उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉप रेल लगा हुआ है और उसके बाद देख रहे हैं टोबोर्ड ये लगा हुआ ये है ये टोबोर्ड है ये सबका एक डायमेंसन होता है और ये जो अंदर जाने के बाद ये कोई एक्सीडेंटली गिरे नहीं यहाँ से इसके लिए ड्रॉप बार लगाते हैं जिसको हम उठा के अंदर जाएंगे और उसको रखेंगे तो ये लॉक हो जाएगा जिसको ड्रॉप बार बोलते हैं तो इसकी जो हाइट है टॉप रेल की वो पॉइंट नाइन फाइव मीटर से वन पॉइंट वन फाइव मीटर तक होता है अड़तीस से 45 इंच तक का और जो लेडर है वो 36 इंच मिनिमम निकला होना चाहिए या एक मीटर कह लीजिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से और देखें तो नीचे वाले को हम लोग बेस लिफ्ट या किकर लिफ्ट बोले थे ये इसको हम लोग बेस प्लेट हैं और सबसे नीचे वाले को सोल बोर्ड या सील बोलते हैं इसको पोस्ट या स्टैंडर्ड बोलते हैं जो सीधा खड़ा हुआ है और ये है हमारा बियरर या ट्रांज़म जिसको हम बोलते हैं विड्थ कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं बीच बीच में भी देखो पोस्ट के बीच में भी एक ट्रांज़म दिया हुआ है इसको इंटरमीडिएट ट्रांजम बोलते हैं ताकि विथ कंट्रोल हो और बीच में एक सपोर्ट मिले बोर्ड को इसको हम रनर या लेजर बोलते हैं जो लेंथ वाइज आप देख रहे हैं लगा हुआ है और दो पोस्ट के बीच की दूरी को हम लोग बे लेंथ बोलते हैं कभी भी रनर और जो बियर है वो आपको इनसाइड द पोस्ट होना चाहिए स्टैंडर्ड के अंदर में होना चाहिए बाहर में नहीं होना चाहिए जैसे आप देखिए मैंने बताया था बे लेंथ दो स्टैंडर्ड्स के बीच की दूरी है बे लेंथ बट ये पूरे एरिया को हम लोग बे बोलते हैं मतलब चारों स्टैंडर्ड के जो बीच है और अगर कोई पूछे इसके फोल्डिंग विड्थ क्या होता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसका विड्थ है और लिफ्ट हाइट क्या होगी तो दो जो लेजर के बीच की जो दूरी है वो क्या है हमारा लिफ्ट लिफ्ट हाइट है कई जगह पे जब स्कै फोल्डिंग एक्शन करते हैं तो वहाँ स्लोप भी होता है तो वेन स्लोप एक्सीड वन वर्टिकल टू टेन हॉर्जेंटल फाउंडेशन में नीड टू बी चेक टू इंश्योर स्टेबिलिटी इफ़ द सर्फेज इज़ टारे एवरी स्टैंडर्ड शुड हैव ए सोल बोर्ड एंड बेस प्लेट वन मीटर अवे फ्रॉम द एस्केवेसन गड्ढे से एक मीटर दूरी से ही कोई एक्सके फोल्डिंग बना सकते हैं और थ्री हंड्रेड एम एम अवे फ्रॉम द स्लोप ऑफ द एस्केवेसन अगर स्लोप भी किया हो तो कम से कम थ्री हंड्रेड एम एम तो रखना ही है जैसा आप देख पा रहे हैं कंपोनेंट की क्या रिक्वायरमेंट है जो सोल बोर्ड होगा जो टिम्बर सील्स हैं वो एटलीस्ट लीस्ट दो सौ पच्चीस एम एम चौड़े और अड़तीस एम एम थी होनी चाहिए और uh, सेल स्टैंडर्ड अंडर दल एट लीस्ट टू पोस्ट स्टैंडर्ड इफ नॉट अप्लिकबल सील्स अंडर इंडिविजुअल पोस्ट सेल बी एट लीस्ट फोर फिफ्टी एम एम लॉन्ग यानी कि आप देख रहे हैं दो सौ पच्चीस बाई चार सौ पचास का होना चाहिए नहीं तो कम से कम दो जो पोस्ट है उसके बीच में या स्टैंडर्ड के बीच में आना चाहिए लंबा लंबा होना चाहिए जो बेस प्लेट है उसका मैंने बता दिया था 150 फिफ्टी बाई वन थिकनेस 6 एम mm, एम और स्क्रू जो जैक है उसका टू थर्ड जो उसका थ्रेड पार्ट है से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड करना चाहिए बेस प्लेट का मेन एम होता है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना और इसका ये डायमेंसन है बेस प्लेट पेमेंट वगैरह हो, हो वहाँ भी यूज़ करना चाहिए फ्लोरिंग वगैरह पर भी जैसे आप देख पा रहे हैं ये और इसका जो थ्रेडेड पार्ट है वो टू थर्ड यानी कि लगभग अगर सौ थ्रेड है तो छाछठ थ्रेड से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है आप देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ भी अप एंड डाउन है वहाँ पे हम लोग जैक का यूज़ कर रहे हैं ताकि हाइट एडजस्ट हो पाए कई बार हम लोग इलेक्ट्रिक वायर के आसपास पास स्केप करना पड़ता है और ऐसे में क्या होगा अगर वहाँ पे किसी बिजली के खम्भे के पास अगर ऐसा हम करते हैं तो वहाँ हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है तो इसके लिए दिया हुआ है अगर इंसुलेटेड हो 300 हंड्रेड वोल्ट्स हो तो मिनिमम डिस्टेंस वन मीटर मेंटेन करना है 300 हंड्रेड टू फिफ्टी किलो वोल्ट हो दैन थ्री मीटर और मोर देन 50 किलो वोल्ट हो दैन थ्री मीटर और फोर इंच फॉर एवरी 50 किलो वोल्ट बट यही वायर अगर अन हो और 300 हंड्रेड टू फिफ्टी किलो वोल्ट हो तो थ्री मीटर का जो डिस्टेंस है वो आपको लेस देन 50 किलो वोल्ट ही मेंटेन करना पड़ेगा और मोर देन 50 किलो वोल्ट हमको ये मेंटेन करना पड़ेगा ये है क्लियरेंस बिटवीन स्केप एंड पावर लाइन तो किकर लिफ्ट फुट लिफ्ट या लोअर रिबन क्या होता है एंड ऑप्शनल लिफ्ट इन द बेस ऑफ द स्केप टू गिव स्टेबिलिटी इसका काम होता है स्टेबिलिटी देने का द लिफ्ट इरेक्टेड नियर द ग्राउंड अप्रॉक्स वन फिफ्टी या सिक्स इंच फ्रॉम द जैसा कि आप ये देख रहे हैं लिफ्ट द असेंबली ऑफ़ लेजर एंड ट्रांजम फॉर्मिंग इच औरजेंटल लेवल ऑफ स्केप फोल्ड लिफ्ट हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू लिफ्ट मेजर्ड सेंटर टू सेंटर मैंने बताया था आपको पिक्चर में उधर और मैक्सिमम टू मीटर हाइट होगी लिफ्ट की ये सब स्टैंडर्ड हैं वर्टिकल ट्यूब कैरिंग द सेल्फ वेट एंड इम्पोज लोड टू द ग्राउंड इसको क्या बोलते हैं इस पाइप को लेजर ओरिजेंटल ट्यूब कैरिंग द लोड फॉर द बोर्डेड प्लेटफॉर्म और जो इसके ऊपर रखा उसको ट्रांजम ट्यूब फिक्स टू स्टैंडर्ड और लेजर टू कंट्रोल द दिर्थ ऑफ द स्केफोल्ड और बीच बीच में जो है उसको हम लोग इंटरमीडिएट ट्रांजम बोलते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांजम यहाँ देखिए ये ट्रांजम जो लगा है स्ट्रक्चरल ट्रांजम है इंटरमीडिएट ट्रांजम बोलते हैं आर यूज टू कंट्रोल द ऑफ द स्केफोल्ड एंड सपोर्ट द बोर्ड दिस आर द अटैच्ड फिक्सड यूजिंग सिंगल पुटलॉक कपलर बट जो स्ट्रक्चरल ट्रांजम है आर यूज टू कंट्रोल द दिर्थ ऑफ द स्केफोल्ड एंड आर अटैच्ड विथ राइट एंगल कपलर यहाँ देखिए जो इंटरमीडिएट है वो सिंगल पुटलो कपलर से जुड़ा होता है जब स्ट्रक्चरल ट्रांजम है वो राइट एंगल कपलर से जुड़ा होता है टू द स्टैंडर्ड्स विदिन थ्री हंड्रेड एम एम ऑफ द नोड पॉइंट यहाँ देखो जो स्ट्रक्चरल ट्रांजम है नोट पॉइंट्स के अंदर थ्री हंड्रेड एम एम के अंदर ही होगा नोट पॉइंट किसको बोलते हैं मैं अगर आपको बताऊँ तो ये जो पॉइंट है आप देखो ये वाला ये नोड है ये सब ट्यूब आके जुड़ रहे हैं ना इसको बोलते हैं नोड तो इस नोड पॉइंट के 300 हंड्रेड mm एम के अंदर ही ये जो है स्ट्रक्चरल ट्रांजम लगता है अभी एक जो ये पाइप लगा ये है ट्रांसवर्स या लेजर ब्रेसिंग बोलते हैं ट्रांसवर्स और लेजर ब्रेसेस है ये और ट्रांसवर्स ब्रेसेस कैन बी कनेक्टेड टू तो स्टैंडर्ड्स एंड और लेजर यूजिंग द लोड बियरिंग कपलर दिस अकर एट इच इंड एंड अल्टरनेट स्टैंडर्ड टू द फुल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर विद इन थ्री हंड्रेड एम एम ऑफ द नोट पॉइंट ये देखो आप इसका स्ट्रक्चर स्टेबली बनी रहे और इसको लगाने का तरीका यही है कि नोट पॉइंट में ही लगेगा थ्री हंड्रेड एम एम के अंदर में ही अभी आप देखो एक और ब्रेसेज लगा यहाँ पर इसको स्वय या लॉन्गीडनल ब्रेस बोलते हैं ये चूँकि लेंथ वाइज लग रहा है ना लेंथ जिधर जिधर ज़्यादा लेंथ है उ, उस साइड से लग रहा है तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल ब्रेस बोलते हैं और इसको फेस ब्रेस भी हम बोलते हैं कैन बी कनेक्ट टू द यूजिंग द सीवेल एंड ऑकर एवरी फिफ्थ पोस्ट स्टैंडर्ड टू द फुल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर विद इन विद इन थ्री हंड्रेड एम एम ऑफ द नोड पॉइंट अभी आप देखिए प्लान ब्रसेज इसके प्लान में मतलब कि अब टॉप से देखें तो ऐसे भी लगता है इस पाइप से इस पाइप तक तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लान ब्रेस इट इज परमिसेबल टू रिमूव लेजर ब्रेसिंग टू अलाउ एक्सेस बिलो और थ्रू ए लिफ्ट ऑन सच ओकेजन प्लान ब्रेसिंग विल बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी कई बार हम ऐसे देंगे तो क्या होगा इधर आना जाना मुश्किल होगा तो हम लोग ऐसे भी देते हैं प्लान ब्रेसेस भी लगाते हैं ताकि ये स्टेबिलिटी हो जाए बट आना जाना भी यहाँ पर दिक्कत न हो और ये परमिशेबल है प्लान ब्रेसिंग कैन भी कनेक्टेड टू लेजर और स्टैंडर विथ लोड बियरिंग कपलर ब्रेसिंग कोई भी स्केफोल्ड तब तक स्टेबल नहीं हो सकता जब तक उसमें एक प्रॉपरली ब्रेस न हो तो ब्रेसिंग शुड रिमेन इन पोजिशन एट ऑल टाइम फॉर द स्टेबिलिटी ब्रेसिंग टाइप्स आर एज बिलो लेजर ब्रेसिंग मैंने बताया यूजली एट एवरी अल्टरनेट पेयर ऑफ द स्टैंडर्ड एंड बोथ द एंड जो स्वे एंड फैसेड ब्रेसिंग है एवरी फिफ्थ बे

बे लेंथ डिसाइड द कैपेसिटी ऑफ द स्के फोल्ड जितनी लाइट ड्यूटी है बे लेंथ ज़्यादा होगा जितना हैवी ड्यूटी बढ़ता जाएगा ये बे लेंथ उतना कम होता जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड मेजर एट द शॉर्ट शॉर्टेस्ट पॉइंट या बोर्ड विथ इसी को हम लोग बोलते हैं स्के फोल्ड विथ कीकर लिफ्ट आप जानते ही हैं एन ऑप्शनल लिफ्ट इन द बेस ऑफ द स्केफ फोल्ड टू गिव इट्स स्टेबिलिटी और लिफ्ट इरेक्टेड नियर द ग्राउंड उसको हम लोग नीचे में कीकर लिफ्ट बोलते हैं ये अप्रॉक्स सिक्स इंच या फिर वन फिफ्टी एम एम फ्रॉम द ग्राउंड होता है हाइट क्या होता है हाइट मेजर्ड फ्रॉम द फाउंडेशन टू टॉप असम्बली ऑफ द लेजर एंड ट्रांजम स्केब फोल्ड इरेक्टेड फॉर द लोड बियरिंग परपज एंड हायर देन द हाइट लिमिट शुड बी स्पेशली डिजाइन बाई द स्ट्रक्चरल इंजीनियर फॉर टॉलर स्केप फोल्ड द वेट इट सेल्फ कैन एक्सीड द कंप्रेसिव स्ट्रेस ट्यूब एंड स्पेसिफिक डिज़ाइन इज रिक्वायर्ड कंसिडरिंग स्केफ वेट विंड लोड एंड लोड केप्ट ऑन स्के फोल्ड्स लेंथ द लेंथ ऑफ द स्केफ बिटवीन द एक्सट्रीम स्टैंडर्ड समम डिजाइन बाई द नंबर ऑफ बी तो पूरे को जितना उसका लंबा होगा वो पूरा उसका लेंथ बोलेंगे नो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन ऑन लेंथ आप कितना ही बड़ा स्के फोल्ड बना सकते हैं लेडर आप देख ही पा रहे हैं कीकर लिफ्ट स्टैंडर्ड लेजर ट्रांजम लेजर ब्रश गार्ड रेल टोबोर्ड प्लेटफॉर्म लिफ्ट हाइट इसको बोलते हैं बे लेंथ बोलते हैं इसको कॉमन स्ट्रक्चर्स ये जो आप देख रहे हैं फ्री स्टैंडिंग टावर्स है ये सब फ्री स्टैंडिंग है किसी सपोर्ट नहीं लिया गया है स्के फोल्ड विच इज नॉट अटैच टू एनी अदर स्ट्रक्चर एंड इज ए स्टेबल अगेंस्ट द ओवर टर्निंग ऑन इट्स ऑन अकाउंट तो इसको हम लोग फ्री स्टैंडिंग टावर बोलते हैं ये है मोबाइल एंड टावर स्के फोल्ड कंस्ट्रक्शन ट्यूब एंड कपलर मोबाइल एंड टावर स्के फोल्ड दैट आर वन वे लॉन्ग एंड वन वे विड्थ देखिए इसका वन वे लॉन्ग है वन वे विड्थ है ये है मोबाइल एंड टावर स्केप फोल्ड फ्री स्टैंडिंग टावर जो है टाइप ऑफ टावर होता है इंटरनल टावर एक्सटर्नल टावर टाइट टावर लिफ्ट साफ्ट टावर मैक्सिमम हाइट जो है इसका वो बेस डायमेंशन से हम क्लियर करेंगे यानी कि जो मिनिमम विड्थ है वो थ्री पॉइंट फाइव इंटरनल टावर वेयर देर आर स्टेटिक नो विंड लोड वहाँ पर हम थ्री पॉइंट फाइव इस टू वन का रेशियो यूज करते हैं और मोबाइल में एंड मोबाइल थ्री पॉइंट फाइव टू इस टू वन की रेशियो यानी कि अगर उसका मिनिमम जो विड्थ है वन है तो उसको थ्री पॉइंट फाइव हाइट तक हम लोग ले जा सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं यानी कि रेशियो है ये हाइट टू उसका मिनिमम विड्थ एक्सटर्नल टावर को थ्री इज टू वन का रेशियो मेंटेन करना चाहिए और मोबाइल भी एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं तो थ्री इज टू वन का रेशियो मेनटेन करना चाहिए टावर रिक्वायर टू सपोर्ट ग्रेटर लोड और ग्रेटर डायमेंशन आर सब्जेक्ट टू डिज़ाइन टाइज़ टावर ए टावर टाइड टू ए परमेंट स्ट्रक्चर शुड बी इरेक्टेड इन द सेम मैनर एज टाइड इंडिपेंडेंट स्केफ होल्ड टाई टावर में बी वन वे लॉन्ग बट नो बट टू आर प्रिफर्ड टू प्रोवाइड सफिशेंट लेंथ टू एकोमोडेट लेडर एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री गाइडेंस इंक्लूड प्रिवियस फ्राम द सीटिंग डेवरीज नेटिंग मोबाइल टावर जो है वो माउंटेन ऑन कास्टर व्हील के ऊपर होता है और मस्ट बी इरेक्टेड ऑन द फॉर्म एंड लेबल ग्राउंड कास्टर मस्ट बी इक्वल लोड बियरिंग कैपेसिटी एंड फिटेड विद द ब्रेक और इफ़ द स्केप फोल्ड इज बींग रीलोकेटेड विदिनिटी एंड इंट्रीम इंस्पेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड हाउ एवर इफ एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज रिमूव्ड टू फैसिलिटेट द मूव देन री इंस्पेक्शन इज रिकोमेंडेड मान लेते हैं कि अगर अब चेंज कर यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हो मोबाइल टावर और उसको आप डिसमेंटल करके ले जा रहे हो तो वहाँ फिर से इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी बट अगर ऐसे नॉर्मली ले जा रहे हो तो इंस्पेक्शन नहीं चाहिए ये कास्टर व्हील है मैंने बता ही दिया था पहले ही और ये कम से कम पाँच इंच से ऊपर का ही रहना चाहिए व्हील इसका बहुत छोटा व्हील नहीं होना चाहिए और मीडियम ड्यूटी का है लाइट ड्यूटी में तो फाइव इंच मीडियम ड्यूटी है तो सेवन इंच से ज़्यादा का व्हील का डायमीटर होना चाहिए मोबाइल स्के फोल्ड जो टावर ऑपरेशन uh, है वो ओनली मैनअली पुसिंग और पुलिंग एट द बेस फोर सेल नॉट बी अप्लाइड एट द हाइट ग्रेटर देन 1.5 मीटर कोई भी मूविंग करना हो तो नो मैन इक्विपमेंट मटेरियल सेल बी ऑन द वर्किंग प्लेटफॉर्म और इल्स वेयर ऑन द स्के फोल्ड वायल इट इज इन मोशन कास्टर व्हील जो है वो लॉक पोजिशन होना चाहिए ड्यूरिंग द एक्सेप्ट ड्यूरिंग द मोमेंट और टेम्पोरी फाउंडेशन और ट्रैक सेल भी प्रॉपरली सेट इन प्लेस ऑन सॉफ्ट और ऑन इवन ग्राउंड टू फैसिलिटेट द मोमेंट ऑफ द मोबाइल स्के फोल्ड द टेम्प्रोरी फाउंडेशन ऑफ ट्रैक सेल भी लेवल एंड प्रॉपरली सिक्योर्ड होना चाहिए इंडिपेंडेंट टाइड स्के फोल्ड है आप देख रहे हैं ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें दो पोस्ट लगे हुए हैं दो स्टैंडर्ड लगे हुए हैं इसकी कैरेटरिस्टिक ये है कि ये टू रो ऑफ स्टैंडर्ड पैरेलल टू द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर लगता है लेजर जो है वो पैरेलल टू द बिल्डिंग कनेक्टेड विद द राइट एंगल कपलर करते हैं इसमें और ट्रांजम जो है फिक्स विथ पुट लॉक कपलर मेंटेन द वीड ऑफ द स्केफोल्ड और स्ट्रक्चरल ट्रांजम रिड्यूस द लेटरल मोमेंट करता है और द असेंबली मस्ट बी ब्रेस्ड विथ लेजर ब्रेसिंग यूजुअली एट एवरी अल्टरनेट पेयर ऑफ द स्टैंडर्ड एंड बोथ इंड्स जैसे आप देख रहे हैं अल्टरनेट पेयर एक छोड़ के यहाँ पे ब्रेस किया गया है एंड जो स्वे और फेसेट ब्रेसिंग है एवरी फिफ्थ बे एलोंग ऑल द फेस ऑफ द स्के फोल्ड लिफ्ट हाइट जो है टू मीटर फॉर द वॉक थ्रू स्के फोल्ड विद द हेड क्लियरेंस ऑफ वन पॉइंट नाइन मीटर इंडिपेंडेंट आई स्के फोल्ड मैक्सिमम टू वर्किंग प्लेटफॉर्म वाली द स्के फोल्ड इज यूजली टाइड टू द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एवरी फोर ओरिजेंटल एंड फोर वर्टिकल लिफ्ट टाई थ्रू टाई रिवेल टाई बॉक्स टाई ये है आप देखेंगे कपलर के ऊपर क्लास लिखा रहता है जिसे आप देखिए ई एन सेवेंटी फोर का है क्लास बी है इसका यहाँ देखिए बहुत सारे पाइप्स को जोड़ा गया है ट्यूब्स को जोड़ा गया है इन टू इन कपलर के द्वारा कभी भी दो पाइप को जो स्टैंडर्ड जोड़े गए हैं कभी भी सेम लिफ्ट में अल्टरनेट में नहीं होना है जैसे आप ये देखिए यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है और ये बीच में नहीं होना चाहिए जहाँ नोट पॉइंट है उसी के नज़दीक होना चाहिए अगर टू पाइप्स को स्पलाइसिंग ऑफ ट्यूब करना हो तो हम ऐसे करते हैं ये दो ट्यूब है और उसकी स्प्लाइसिंग जो है ऐसे हुई है सिविल कपलर से फोर नंबर लगेंगे इसमें जो ओवरलैप ऑन स्केफोल्ड बोर्ड अगर बोर्ड को ओवरलैप करना हो तो बीच में एक इंटरमीडिएट ट्रांजम देना है जहाँ पे ओवरलैप हो और वन उस ट्रांजम से 150 इधर 150 इधर यानी कि 300 का ओवरलैप होना चाहिए मैंने इसको बता दिया कैसे पोजीशन ऑफ द सिक्योर लेडर इन द स्केफोल्ड प्लेटफॉर्म कैसे हम लोग करते हैं आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में प्लेटफॉर्म से तीन से चार स्टेप जो है ऊपर निकला होना चाहिए इसके जो नीचे हैं उसका जो फिट है वो लेवल पे सरफेस पे रेस्ट करना चाहिए वन मीटर इधर और फोर मीटर ऊपर हो तो ये एंगल सेवेंटी फाइव डिग्री का बन जाता है यहाँ पे लास्ट विद द रोप या लेडर क्लाइंप का यूज़ करना चाहिए आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पर लेडर एक्सेस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस एक्सेस ओपनिंग जो है मिनिमम ऑफ ट्वेंटी इंच एंड मैक्सिमम थर्टी इंच फॉर एक्सटर्नल लेडर और फॉर इंटरनल इंटर मिनिमम ट्वेंटी सेवन इंच का यूज़ करना चाहिए इरेक्शन सीक्वेंस। अगर आपको लिफ्टिंग इरेक्शन करना है तो कैसे करना है ये सब मटेरियल इस पोजिशन में रख देना है वहाँ पे स्टैंडर्ड बीच में ट्रांजम लेज़र हमने रख दिया साइड में और सबसे पहले हमें इस तरह से बेस प्लेट रखना है ये लेजर्स हैं ये है इरेक्शन सीक्वेंस कैसे कैसे लगाना है अब यहाँ पे इसका लेवल चेक करना है स्प्रिट लेवल से फिर इसका लेवल चेक करना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखें आप ट्रांजम लग गया फिर पोस्ट खड़ा हुआ फिर इसका लेवल चेक किया गया ये 90 डिग्री होना चाहिए फिर जो हम सेकेंड लिफ्ट फिर लेवल चेक किया हमने पहले फोल्डर सेफ जोन स्टैंडर्ड गार्ड रेल्स एंड हैंड्रेल्स लगाने का टॉप मिड टॉप टो बोर्ड इसकी डायमेंशन यहाँ पे दी हुई है डबल फाल अरेस्ट लैन याड वेन यूजिंग दिस मेथड द ऑपरेटिव मे रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज प्रॉपरली एंकर डिवाइस दैट फिक्स टू देंडर्ड रेदर देन लेजर बिलो फुट लेवल ये सब अटैचमेंट आता है ट्यूब में जो लगाते हैं जोर्डन क्लैम्प बाई यूटिलाइजिंग द डबल लैन याड द स्केफ फोल्डर कैन गारंटी हंड्रेड परसेंट अटैचमेंट स्केफोल्ड सेफ जोन इज पोजिशन ऑफ वर्कवेयर सुटेबल एज प्रोटेक्शन एंड प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट स्केप होल्डर सेफ जोन कैन बी अचीव्ड यूजिंग द सेवरल मेथड इंक्लूडिंग प्रोग्रेसिव वर्क प्लेटफॉर्म सिस्टम ऑफ वर्क यूज ऑफ पावर्ड एक्सेस एंड प्रोप्राइटरी कलेक्टिव फॉल प्रिवेंशन सिस्टम जो सेफ जोन है फुली बोर्डेड करेक्टली सपोर्टेड प्लेटफॉर्म विदाउट गैप होना चाहिए प्लेटफॉर्म में कोई गैप नहीं होना चाहिए सिंगल मेन गार्ड रेल 42 inch above the platform where there is risk of fall, or employees should choose the most suitable method for achieving the safe zone, which best suit the scaffolding application. Risk of fall can never be eliminated, raising and lowering working platform board during the scaffold process, when possible, feet should be boarded out, removed from the below. Personal fall protection will still be required to be used at some point in the system. ऑफ वर्क अंगलेस एवरी लिफ्ट रिमेन फुली बोर्डेड जैसा आप देख पा रहे हैं मिनिमम ऑफ सिंगल गार्डेल मस्ट बी एट लीस्ट फोर्टी टू इंच अबव द प्लेटफॉर्म गार्डेल आर टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑल लिफ्ट एंड बी लेफ्ट इन प्लेस वेन नेसेसरी टू रीच बिलो द सिंगल गार्ड रेल स्केप फोल्डर्स मस्ट बी क्लिप्ड ऑन जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हार्नेस का यूज किया जा रहा है कई जगह पे आप देख रहे हैं कि पावर्ड एक्सेस का भी यूज किया जा सकता है तो जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो टू क्रिएट ए स्केफ फोल्डर सेफ़ जोन वाट इज़ अवेलेबल टू क्रिएट ए स्केफ फोल्डर सेफ़ जोन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एडवांस गार्ड रेल सिस्टम लगे हुए हैं स्केब फोल्डर कम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी सो एवरी स्केब फोल्डर शुड बी कम्पिटेंट टू वर्क एट हाइट एंड रिसीव अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग ऑन द सिस्टम ऑफ वर्क एंड इक्विपमेंट टू बी यूज टू रिड्यूज द रिस्क ऑफ फॉल फ्रॉम हाइट Employer should ensure the appropriate level of supervision are provided considering the nature of the work and the competence of the scaffolder. Equipment should be properly maintained and inspected as per manufacturer recommendation. Scaffolder should take positive step to understand the hazard involved and requirement of the risk assessment, method statement, scaffold plan or inform employer of any medical condition that may affect them working at height or not work at height if affected by the drug alcohol including the prescription medicine medication or utilize the technique and equipment provided to prevent the protect against the fall in accordance with the instruction and training received not temper or modify equipment provided and check fall arrest equipment daily and report any damage or defects found so i hope you will like this video and if you are new to my channel kindly share subscribe with your friend and uh, stay connected stay safe i am Singh, signing off